सेकेंड वन. एग्जाम्पल सेकेंड, 9x minus 4 is equals to 6x plus 29. Now, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, कोई ब्रैकेट भी नहीं है, सिंपल इक्वेशंस है, बट यहाँ पे दोनों साइड x है, तो सबसे पहले हम वन साइड x रिमूव करेंगे. कहाँ का रिमूव करना बताया था मैंने, या पहले कैसे भी करो आप, पहले अगर यहाँ पे x के बाजू वाला नंबर रिमूव करना चाहते हैं वो रिमूव करो, या आप पहले x यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो पहले वो करो, यू कैन डू एनी. ओके, ना पहले हम क्या करेंगे, x से जो कनेक्टेड है वो रिमूव करेंगे. माइनस फोर है, फोर ही लेंगे, लेकिन माइनस का अपोजिट ऑपरेशन एडिशन. सो एडिंग बोथ साइड ऑन फोर, एडिंग फोर ऑन बोथ साइड्स. आप कैसे भी करो, आप पहले फोर को रिमूव करना चाहते हैं या पहले आप 6x को रिमूव करना चाहते हैं, कैसे भी करे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ये सोल्यूशन है. तो कैसे करेंगे, सी 9x माइनस 4 हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एज इट इज रहा, प्लस 4, अगेन ये एज इट इज 6x प्लस 29 प्लस 4. No, प्लस 4 माइनस 4 कैंसल. हमारा पर्पज ही था हमको कैंसल करना, इसलिए हमने कैंसल कर दिया. माइनस 4 था तो हमने प्लस 4 लिया, तो देयर फोर व्हाट इज रिमेनिंग, 9x 6x प्लस 29. सी दो बोथ आर नंबर, एडिशन होता है, 29 में 4 मिला है, इट इज 33. नाउ अगेन सी हमें यहाँ पे x चाहिए ना स्टूडेंट, दो बार x है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 को प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो सब्सट्रैक्टिंग 6x फ्रॉम बोथ साइड, सब्सट्रैक्टिंग 6x फ्रॉम बोथ साइड क्या होगा, देयरफोर यहाँ का तो 9x एज इट इज, सब्सट्रैक्ट करना है मीन्स माइनस 6x, यहाँ भी होगा 6x प्लस 33 माइनस 6x, दोनों साइड तो ये माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल. व्हाट इज रिमेनिंग, 5 माइनस 6 कितना होता है, सॉरी 9 माइनस 6, सी लाइक टर्म है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इनका माइनस करो, 9 में से 6 माइनस हो गए, 3x इज इक्वल्स टू व्हाट इज रिमेनिंग, ओनली 33. लेकिन हमें सिर्फ x चाहिए, 3 नहीं चाहिए, और 3 और x में कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, तो हम करेंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, देयरफॉर 3x अपॉन डिवाइड मींस अपॉन 3, यहाँ भी 33 अपॉन 3, 3 कैंसल, 3 1 3 3 1 3 3 1 3, देयरफॉर x इक्वल टू 11, अपॉन 1 लिखते नहीं है स्टूडेंट, तो x इक्वल टू 11 इज द सॉल्यूशन, वेरी सिंपल, इज दैट क्लियर. नाउ टेक अगेन वन मोर, सपोज यू आर 2/3, व्हाट इज द क्वेश्चन, 2/3 प्लस 5a इज इक्वल्स टू 4. नाउ सी स्टूडेंट, अगेन इट इज द फर्स्ट वन जैसे टाइप का है, यहाँ पे अपॉन में क्या है, 3 है. सी स्टूडेंट, ये एक टर्म होगी क्या, दिस इज द ओनली वन टर्म, नो, दिस जब भी प्लस किसी भी दो के बीच में प्लस, मतलब वो दो डिफरेंट हो गए, मल्टीप्लिकेशन मतलब एक ही टर्म,
अगर यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो ये एक ही टर्म होती, प्लस और माइनस मतलब दो सेपरेट है इसलिए उनको ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, अगर जब भी प्लस हो या माइनस हो मतलब वो दो डिफरेंट टर्म है। तो 2/3 ये एक टर्म है, 5a एक टर्म है और इक्वल टू 4 एक टर्म। इज दैट क्लियर? आप इसको दो मेथड से कर सकते हो, आप ये 2/3 को यहाँ पे ट्रांसफर करके आप, लेकिन आपके यहाँ पे जो सिंपल मेथड है सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये 3 नहीं चाहिए जैसा हमने पहले में किया था, अपॉन नंबर नहीं है तो ये 3 को रिमूव करना है। 3 है डिवीजन में तो ईच टर्म 1, 2, 3 है तो सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड या ऑन थ्रू आउट सबको। ओके, तो कैसे होगा, पहले ये टर्म 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 5a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 भी चलेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड से होता है। सी प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ईच टर्म को हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सी अगर यहाँ पे ब्रैकेट होता तो हम ब्रैकेट के बाहर एक ही बार करते, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रैकेट नहीं है, बीच में प्लस है, मीन्स ये अलग टर्म है ये अलग टर्म है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट। इज दैट क्लियर ना? तो यहाँ पे ये 3 क्या होगा, कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग ओनली 2 प्लस का प्लस ना मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट, नंबर का नंबर का होता है, वेरिएबल का नहीं तो चलेगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन कैसे भी होता है। 3 5 15 a इज इक्वल टू 3 4 12 अब ये हमें 2 नहीं चाहिए, 2 को हम क्या करेंगे कैंसल करना है, 2 को है प्लस तो हमें क्या करना होगा, सब्सट्रैक्टिंग टू फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 2 + 15a हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्टिंग मीन्स माइनस 2। सिमिलरली यहाँ भी 12 - 2 दोनों साइड करना है, दिस -2 + 2 कैंसल, देयरफॉर 15a इज इक्वल टू 10 - 2 कल 12 - 2 10। अगेन हमें 15 नहीं चाहिए, 15 मल्टीप्लीकेशन में है, डिवाइडिंग बाय 15 ऑन बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट, 15/a / 15 10/15 दोनों साइड 15 कैंसल, देयरफॉर a इज इक्वल टू 10 और 15 टेबल में, 15 के टेबल में 10 नहीं आता है, लेकिन 10 और 15 कौन से टेबल में आते हैं स्टूडेंट, 5 के टेबल में, तो डिवाइड करो 5 2 10 5 3 15 तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 2/3 इज दैट क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। इसका और एक मेथड क्या करेंगे स्टूडेंट, ये नंबर है ना, ये दोनों नंबर है तो सिर्फ 2/3 यहाँ भी 2/3 से माइनस करेंगे, यहाँ भी 2/3 से, तो 2/3 ये क्या होगा, कैंसल होगा, लेकिन उससे बेटर है ये सबसे इजी है आपको जो बताया था। देखिए ध्यान देना है स्टूडेंट, अगर कोई ब्रैकेट है तो उसके बाहर एक ही बार चलेगा, लेकिन सेपरेट सेपरेट टर्म है, बीच में प्लस है माइनस है तो हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच टर्म को करना होगा, बस इतना ध्यान देना। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाय अप्लाइंग मल्टीपल ऑपरेशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ टेक वन मोर, अगर आपका इक्वेशन इन दिस फॉर्म है, मीन्स a/b इज इक्वल टू c/d तब कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, उसका बहुत ही इजी मेथड बताया है आपको स्टूडेंट।
अगर कोई टर्म ब्रैकेट में होगी स्टूडेंट मतलब वो एक ही है, जिसको ब्रैकेट है मतलब वो एक ही टर्म है, अगर ब्रैकेट नहीं है सिर्फ प्लस और माइनस है तो वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म होगी। ठीक स्टूडेंट, इफ यू आर एग्जाम्पल और इक्वेशन ऐसी होगी ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, मीन्स दो रेशियो है, कोई एक टर्म अपॉन सेकेंड टर्म है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी कोई एक टर्म है अपॉन सेकेंड टर्म है, अगर इस तरह से होगी तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का मेथड है स्टूडेंट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऑलवेज रिमेम्बर स्टूडेंट दो टर्म है कोई भी, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे और बीच में इक्वल है, सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मीन्स ऐसे दिस टू मल्टीप्लीकेशन इक्वल दिस टू, मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय डी बी मल्टीप्लाई विथ सी, आप ए को डी से करो या डी को ए से करो, बी को सी से करो या सी को बी से करो, मल्टीप्लीकेशन टू को थ्री से करो, थ्री को टू से करो, सिक्स ही आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ लेकिन क्रॉस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ए और बी का कर रहे हो, ए का मतलब एक टर्म का न्यूमरेटर दूसरे टर्म का डिनोमिनेटर, फिर उसके टर्म का डिनोमिनेटर उस टर्म का न्यूमरेटर, इज दैट क्लियर, फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे जो आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, फिर वन बाय वन रिमूव, बाकी का प्रोसीजर सेम जैसे हम सॉल्व करते हैं। लेकिन स्टार्ट कैसे करेंगे, इफ योर इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी सी अपॉन डी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ का टर्म विद दिस, यहाँ का विद दिस, आप कैसे भी पहले ए लिखो या डी लिखो या डी लिखो ए लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इज दैट क्लियर ना। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेंगे, देन विल स्टार्ट अवर प्रैक्टिस से 12.1। Now, take one example, number 4. Example is x minus 7 upon x minus 2 is equals to 5 upon 4. Yes, student, a upon b is equals to c upon d. ऐसे टाइप का है ना ये, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लिखना नहीं है हमें, तो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन, इसको इससे सी ब्रैकेट है तो ऑब्वियसली ब्रैकेट को बाद में लिखो, पहले नंबर लिखो, तो 4 को मल्टीप्लाई होगा किससे, x माइनस 7 से इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई होगा, आप मल्टीप्लाई की भी लिखो या नहीं लिखो चलेगा, क्योंकि नंबर और ब्रैकेट और नंबर के बीच में मल्टीप्लाई ही होता है। अब नाउ मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं, ब्रैकेट के बाहर है मतलब 4 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लीकेशन, होल ब्रैकेट शुड बी मल्टीप्लाई विद दिस 4, 4 इंटू एक्स नंबर वेरिएबल 4x, माइनस है माइनस, 4 सेवन जा 28, 5 इंटू एक्स 5x, माइनस माइनस, 5 टू जा 10। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सी अगेन दोनों साइड एक्स है, हमको कहां का रिमूव करना होता है, जो होगा लेफ्ट हैंड साइड का रखेंगे, राइट हैंड साइड का रिमूव करेंगे, तो यहां पे हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्टिंग व्हाट, क्योंकि यहां पे का एक्स क्या है प्लस है, तो सब्सट्रैक्टिंग 5x from both sides, क्या होगा फिर, therefore 4x minus 28 minus 5x, यहाँ पे 5x minus 10 minus 5x, तो this minus 5x plus 5x cancel, यहाँ पे दो बार x आ रहा है, 4, see student very important, यहाँ पे 4x है 5x है, यहाँ पे 4 को प्लस है 5 को माइनस है, 4 को प्लस 5 को माइनस, अपोजिट ऑपरेशन प्लस माइनस माइनस सब्सट्रैक्शन होता है, तो 5 में से 4 माइनस हो गया 1, बिगर नंबर कौन है दोनों में 5, 5 को साइन है
माइनस, तो माइनस वन और कॉमन वेरिएबल x, वन नहीं लिखते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट माइनस x, नो नीड टू राइट वन, वन लिखो नहीं लिखो वन होता ही है, ओके। नाउ अगेन माइनस 28 एज इट इज इक्वल्स टू माइनस 10। अब ये माइनस 28 रिमूव करना है तो क्या करेंगे, एडिंग 28 ऑन बोथ साइड, बाकी का सेम, एडिंग 28 ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा माइनस एक्स माइनस 28 पहले एज इट इज लिखेंगे प्लस 28 माइनस 10 प्लस 28 दिस कैंसल, तो माइनस एक्स कितना होगा अगेन प्लस माइनस विच ऑपरेशन, माइनस का सब्सट्रैक्शन का, तो 28 को प्लस है 10 को माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, 28 में से 10 को माइनस करेंगे 18, बिगर नंबर के साइन प्लस मतलब प्लस 18, लेकिन एक्स निगेटिव नहीं होता है स्टूडेंट, देयरफॉर एक्स इक्वल टू ये माइनस इसको देंगे माइनस 18, अगर दोनों तरफ माइनस होती तो वो कैंसल होता, लेकिन किसी एक को है तो हम कहां देंगे नंबर को देंगे नॉट द वेरिएबल, तो एक्स इक्वल टू माइनस 18 इज द सॉल्यूशन, इज दैट क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको कैसे करना है। सी अगेन लास्ट वन एग्जाम्पल, सपोज यूर एग्जाम्पल इज इन दिस वे 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय सॉरी 8m, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो हम ब्रैकेट लेंगे, लेकिन 8m माइनस 1 अपॉन 2m प्लस 3 इज इक्वल्स टू ओनली 2 इज देयर, लेकिन हमको इसको a अपॉन b, b अपॉन c करना है स्टूडेंट, c अपॉन d करना है, तो हम क्या लेंगे इसको c, पहले तो इसको ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि दो टर्म है ना ये ऐसे, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 क्योंकि किसी के नीचे कुछ नहीं है, मतलब वहां पे 1 रहता ही है 2 अपॉन 1, तो ये a अपॉन b c अपॉन d, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8m माइनस 1 को, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई लिखो या नहीं डायरेक्ट ब्रैकेट लिखो चलेगा 2m प्लस 3 मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब वही, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करे तो वही नंबर आएगा 8m माइनस 1, 2 को सी 2 टू जा 4m प्लस 2 3 जा 6, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट किया है स्टूडेंट, कैसे किया है सी, अगर दो साइड वेरिएबल है तो हम एक साइड उसको कन्वर्ट रिमूव कर सकते हैं, यहाँ का 8m एज इट इज, सी ऐसे कब करना है अगर आपका बहुत लेंथी सम हो रहा है तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, सी ये 4m कौन से साइड है स्टूडेंट, इट इज ऑन राइट साइड, हमेशा राइट साइड को मूव करेंगे लेफ्ट साइड को, अगर दो वेरिएबल है तो यहाँ ये मूव होगा जब भी कोई अपनी साइड चेंज करता है डायरेक्ट राइट से लेफ्ट में जा रहा है तो उसकी साइन क्या होगी चेंज होगी, ऑपरेशन क्या होगा चेंज होगा, अगर वो प्लस में है तो वहां जाने के बाद माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन में वहां जाने के बाद डिवीजन होगा, डिवीजन में है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन है एडिशन, टोटली अपना वो क्या करेगा ऑपरेशन साइन टोटली चेंज कर देगा, इफ ही मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर एक साइड से दूसरे साइड, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो राइट टू लेफ्ट हो, मूव हो रही है साइड मूव हो रही है वहां के वहां है नो चेंज, मूविंग के वक्त चेंज होगा, तो ये 4m राइट में है लेफ्ट में जा रहा है तो ये क्या होगा माइनस 4m प्लस 4m क्या होगा माइनस 4m, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस 1 6 का 6, नाउ 8m माइनस 4m 4m 8 में से 4 माइनस 4, 8 को बिगर है इसको भी वही साइड माइनस 1 इज इक्वल टू 6, अगेन 1 नहीं चाहिए एडिंग ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड 4m माइनस 1 प्लस 1 6 प्लस 1 दिस गेट कैंसल, सो 4m इज इक्वल टू 7,
तो देयरफॉर अगेन सिर्फ एम चाहिए, तो डिवाइडिंग बाय सेवन, सॉरी फोर, डिवाइडिंग बाय फोर ऑन बोथ साइड्स, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ एम चाहिए, ये नहीं चाहिए बाजू में फोर, तो फोर एम अपॉन फोर, सेवन अपॉन फोर, दोनों साइड अपॉन फोर अपॉन फोर, फोर फोर कैंसल, देयरफॉर एम इज इक्वल टू सी सेवन, फोर के टेबल में सेवन नहीं आता है, तो दिस इज द आंसर। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों कौन से टेबल में आते हैं, सेवन इज ए ऑड नंबर और के साथ साथ वो प्राइम भी है, प्राइम नंबर किसी और के टेबल में नहीं आते, तो डिवीजन नहीं होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया, यहाँ पे क्या ऐसे कर सकते कि सब्सट्रैक्टिंग 4m ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे m है तो ये 4m और हम सब्सट्रैक्टिंग वो कैंसिल ही होता है, यहाँ पे ऐसे ही आता है, तो डायरेक्ट एक स्टेप क्या कर दिए, ये 4m को यहाँ पे शिफ्ट कर, जो अगर शिफ्टिंग ऐसे कब करेंगे, अगर आपका बहुत लेंदी है वर्ड प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या सी वेरिएबल जो राइट साइड का लेफ्ट राइट साइड का होगा उसका अपोजिट लेकर करेंगे। यहां मैंने क्या किया, अगर हम ये मेथड से करते तो यहाँ पे मुझे क्या करना होता, सब्सट्रैक्ट, क्योंकि प्लस है ना फोर, सब्सट्रैक्टिंग फोर एम ऑन बोथ साइड, तो एट एम माइनस फोर एम माइनस वन, और यहाँ पे होगा 4m प्लस 6 माइनस 4m, तो प्लस 4m माइनस 4m कैंसिल ही होगा, 6 का 6 और यहाँ ऐसे आता है, ठीक है। उसको ऐसे नहीं करते हुए मैंने क्या किया, ये भी मेथड है कि आप जो वेरिएबल है वन साइड करेंगे, चाहे वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड, तो मैक्सिमम टाइम हम कहाँ करते हैं, लेफ्ट साइड, तो राइट वाला मूव होगा लेफ्ट को, लेकिन सिर्फ ऐसा ही मूव नहीं होगा, उसकी साइन चेंज होगी, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे जाने के बाद वो माइनस हो गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बहुत सिंपल है, ज्यादा आपको ये नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, सॉल्व करना मीन्स वहां जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड करना, वैल्यू फाइंड करने के लिए सिर्फ वेरिएबल चाहिए, तो उससे रिलेटेड उसके कनेक्टेड जो भी टर्म रहेंगे ना वन बाय वन रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में कोई है तो मल्टीप्लाई करके रिमूव करेंगे, ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दोनों साइड अगर वेरिएबल है तो राइट हैंड साइड का रिमूव करेंगे, कोई भी अगर नंबर है उसके बाजू में रिमूव करेंगे, रिमूव कैसे करते हैं सिर्फ वो याद रखना है, कैसे रिमूव करेंगे, बाय टेकिंग सेम नंबर विद अपोजिट ऑपरेशन, वही नंबर लेंगे जो उसके बाजू में है वेरिएबल के, लेकिन उसका अपोजिट ऑपरेशन, अगर वहां पे अगर थ्री मल्टीप्लीकेशन में है तो हम लेंगे डिवीजन ऑफ थ्री, अगर वहां पे थ्री सब्सट्रैक्शन में है तो हम लेंगे एडिंग थ्री, एडिंग थ्री है तो हम सब्सट्रैक्शन थ्री लेंगे, नंबर वही रहेगा जो वहां पे क्वेश्चन में होगा आपको, सिर्फ ऑपरेशन हम अपोजिट लेंगे, इन दिस वे हम उसको कैंसल करके फाइनल हमारे वेरिएबल तक पहुंच सकते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैसे सॉल्व करते हैं, नाउ लेट्स टेक द न्यू एक्सरसाइज दैट इज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ दिस लेसन, प्रैक्टिस सेट 12.1।